दोस्तों पेपर अधोना एक आम बात हो चुकी है। जिस प्रकार आपने भी खबरें सुनी होगी कि ग्राम विकास अधिकारी की जो मेंस की परीक्षा थी उसका पेपर आउट होने के जो भी आसार है वो हमें दिख रहा है, तो इसी प्रकार से आपके मन में कई सारे डाउट उठ रहे होंगे कि पेपर आउट होगा, पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, किस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, यानी उसकी जो भी कितनी किस प्रकार से जो भी है वो आपको मतलब नेक्स्ट पूरे वीडियो में पता चलेगा, और क्या पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड पूरा ये विस्तृत वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले आपके अपने गौरव सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपकी आवाज़ बन सकते हैं और आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचा सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ है, तो हाँ दोस्तों पेपर आउट हुआ है, यानी ऐसा देखा जाए तो कई सारे ऐसे आपने अखबार में भी पढ़े होंगे, यानी सुर्खियों में आ रहा है कि पेपर आउट क्या हुआ, जोधपुर के किसी एक स्कूल के अंदर पेपर की जो मतलब लिफाफा है जो फटा हुआ मिला, तो उससे साफ साफ अंदेशा जारी होता है कि अगर लिफाफा फटा हुआ है तो मतलब पेपर आउट होने के आसार है। और दूसरी बात जो बहुत बड़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है, तो वो सुर्खियों में हमें देखने मिलती है जो कंप्यूटर टीचर एग्जाम था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो अभी 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 18 तारीख को एग्ज़ाम होता, उसके बाद में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के बाद में अपने ये सॉरी यहाँ पर 18 जून का एग्ज़ाम हुआ था, 18 जून के बाद में अभी जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ 9 जुलाई को मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ, और उससे पहले पशुधन सहायक वाला एग्ज़ाम जो हुआ था 3 जून को, तो उन्होंने तीनों पेपर में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर से हुबहुक क्वेश्चन छपे, इवन यानी ऑप्शन का भी फेर बदल नहीं हुआ, और सेम के सेम 9 जुलाई मेंस के अंदर लगभग 60 क्वेश्चन, भाई साहब 60 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और 60 क्वेश्चन हुबहू आ गए, लेकिन सरकार की जो मतलब सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग पा रही है, सरकार का इससे रिलेटेड अभी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये भाई एक क्वेश्चन आ जाए, दो क्वेश्चन तो भाई ये सभी मानते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाए मान सकते हैं, 60 के 60 क्वेश्चन हुबहू आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली है। और उस ऐप का नाम है एडू स्पोर्ट नाम से कोई ऐप है जो है सीकर की, उसके अभी इसका जो फाउंडर है उसका भी कोई पता नहीं लगा है, लेकिन सरकार को भी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए अपने जितने भी एसी के अंदर बैठी हुई है, उनको किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन लेना नहीं है। और जिस प्रकार से ट्विटर के ऊपर महाअभियान चलाया जा रहा है छात्रों का, और हम जितने भी यूट्यूब से उनके द्वारा वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, सरकार के पास वो बात तो जा रही है लेकिन सरकार उसको पूरी तरह से इग्नोर मार रही है कि भाई ये क्या है, ऐसी कोई चीज़ हमें खबर प्राप्त ही नहीं हो रही, तो भाई ये बहुत बड़ी गलत बात है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। अगर आप हमें फिर हम मांग कर रहे हैं कि हमें SOG की जांच करवा दी जाए, यानी SOG की इसकी जांच बैठाई जाए, और उस जो ऐप है उस ऐप पर और इसकी पूरी छानबीन की जाए कि किस प्रकार पेपर आउट हुआ पेपर आउट नहीं हुआ, और इससे अगर SOG का जो निर्णय होगा उससे हम पूरे सहमत होंगे। SOG का निर्णय आता है कि पेपर लीक हुआ है तो भाई साहब पेपर को रद्द करवाना चाहिए और पेपर को वापस करवाना चाहिए, यानी पेपर को वापस रिकंडक्ट करवाना चाहिए, ये हमारी मांग है, छात्रों की मांग है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये खिलवाड़ आखिर हमारे साथ में कब तक होता रहेगा, यानी हम ये हर बार का सीन हो गया यार कि एग्जाम हो रहा है कंडक्टर पहले एग्जाम होगा उसके मतलब बीच में उसके डेट लेट आ रही है, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है पेपर लीक हो रहा है, फिर बाद में रीट लग रही है, तो ये एक नॉर्मल से एक गवर्नमेंट की वैकेंसीज का क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, तो उस प्रोसेस को हटाना है हमें, यानी सीधा से सीधा भाई हमारे ये उच्च वर्गों के ऊपर किसी प्रकार का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम निम्न वर्गों यानी हमारे बेरोजगार साथियों पर ये प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सरकार को टैग कीजिएगा, और ट्विटर के माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टैग कीजिएगा, जिससे द्वारा सरकार की जो मतलब जो आंखें बंद करके सो रही उनको पता चले कि हाँ भाई साहब ऐसा कांड भी हमारे राज्य के अंदर चल रहा है, तो आप जल्द जल्द उठिए, वरना छात्र शक्ति सर्वोपरि है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने साथी मित्रों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।